खबर अयोध्या से है, जहां जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय राशि के पास हुई 2 लाख की लूट की सूचना झूठी निकली। उधार लिए गए 2 लाख रुपए वापस ना देना पड़े, इसके लिए कथित पीड़ित ने ही 2 लाख लूटे जाने का नाटक रचा। पुलिस ने गहन छानबीन के बाद 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर झूठी सूचना देने वाले काशीराम निवासी राजेपुर को जेल भेज दिया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बुधवार को यहां बताया कि काशीराम ने पटरंगा के हरिराम से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वह बार बार पैसे मांग रहा था। मंगलवार को बैंक से पत्नी के खाते से 1,70,000 निकाले और 30,000 उसके पास पहले से थे। इसी को लेकर मंगलवार को उसने 3 बदमाशों द्वारा लूटे जाने की सूचना दे पुलिस को गुमराह किया। पुलिस ने उसके घर दबिश देकर रुपए भी बरामद कर लिए। रुपए भूसे के ढेर में छिपा कर रखे गए थे। लूट की सूचना, 1,70,000 की लूट की सूचना काशीराम यादव नाम की व्यक्ति, जो राजेपुर का रहने वाला है, और बैंक में लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनसे कमीशन खोरी का काम करता है, उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और उसको जो है मारपीट करके, कट्टे के बट से उसके साथ मारपीट करके 1,70,000 जो उसने बैंक से निकाले थे उसको लूट ले गए। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पीआरवी मौके पे पहुंची। सभी अधिकारी, सीओ, एडिशनल सी, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके द्वारा दी गई तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, परंतु इस घटना में जब अनावरण के लिए पुलिस टीमों ने काम किया तो यह पता चला कि इसके साथ लूट की कोई घटना नहीं हुई थी। इसने स्वयं इस घटना की संरचना रची थी और इसके 2 लाख रुपए एक व्यक्ति से उधार थे, जिसको ये पूरी कहानी रच के उसको उसने फोन करके बुलाया था कि आज तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा, और इसी बीच में इसने षड्यंत्र रच के अपने पैसे पहले छुपाए, उसके बाद जो घटनास्थल बताया गया वहां गया, वहां से जो लोग आसपास से गुजर रहे थे उनसे फोन कराया अपने साथ लूट की घटना का, साथ ही साथ एक व्यक्ति द्वारा जिस व्यक्ति से उधार लिया था उसके मोबाइल नंबर पे भी फोन कराया कि इसके साथ लूट हो गई है, जो उसी का पैसा देने जा रहा था और उसके साथ लूट हो गई है। इस तरह से काशीराम यादव नाम के जो व्यक्ति वादी था उसने षड्यंत्र रच के अपने साथ लूट की घटना रची थी। इसका पुलिस ने खुलासा किया है। पूरे 1,70,000 जो उसने लूट में बताए थे वो 1,70,000 उसकी निशानदेही पे, जहाँ पे उसने पुआल में भूसे में छुपा के रखा था, उसको भी बरामद किया है और इसको सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस तरह इस घटना का 12 घंटे के अंदर में पुलिस टीम ने सफल अनावरण किया और इस अभियुक्तवादी जो स्वयं पूरी घटना का रचयिता है तथा इसने स्वयं इस घटना की पूरी पटकथा लिखी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।